बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ मोहम्मद खालिद, शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज जब बनाएंगे बनाना चॉकलेट चिप मफिन शेफ खालिद के स्टाइल में, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कप मैदा लेंगे, इसको अच्छी तरह छान लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा, सॉल्ट जाएगा 1/4 टीस्पून, 1/3 कप जाएगी चॉकलेट चिप्स जाएंगी। सबसे पहले हमने तमाम ड्राई इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको साइड में रख देंगे क्योंकि हम बनाना चॉकलेट चिप मफिन बना रहे हैं। इसके लिए 3 अदद केले लिए, इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। 1 अदद अंडा जाएगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे, मैं बता दूं आपको, बेकिंग जब भी करते हैं रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तमाम इंग्रेडिएंट को। 1/2 कप शुगर जाएगी, 1/4 कप कुकिंग ऑयल जाएगा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा। अच्छा, देखिए जो हम मफिन बना रहे हैं इसमें किसी किस्म की भी ब्लेंडर या मिक्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ से ओनली हैंड मिक्स से आप इसको मिक्स करें। ठीक है, मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को हैंड मिक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें मैंने दूध की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही इतना अच्छा सा ये बैटर बन गया। अब इस स्टेज पे आके इसको मफिन जो कप केक आते हैं ना उसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए अब लास्ट में जिससे हम आइसक्रीम निकालते हैं ना जिस स्पून से, अगर वो कोई वो आपके पास चम्मच नहीं तो कोई बस्ता नहीं है, आप नॉर्मल चम्मच से निकाल लें। देखिए मैंने लाइनर बिछानी है कप केक की, अब इसमें ऐड करते जाएंगे। अब देखिए लास्ट में जो चॉकलेट चिप थी ना इस पर और स्प्रिंकल कर देंगे लास्ट में। हाँ दोस्तों, देखिए मैंने ओवन को 180 सेंटीग्रेड पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक करते हैं ओवन में। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनाना चॉकलेट मफिन रेडी हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी, पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फिर मिलेगा।